नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है वो है जम्मू में वाटर क्राइसिस और दूसरा स्मार्ट मीटर्स लगाने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। पहले मैं बात करना चाहूँगा वाटर क्राइसिस। दोस्तों, आज हमारे जम्मू में पानी को लेकर त्राही त्राही हो रही है। लोग पानी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा और ये सारा का सारा जो कसूर, जो नाकामी है, बेवकूफ़ी है, वो मैं कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन की, पीएचई डिपार्टमेंट की। पानी आप दे रहे हो लेकिन दूसरे तरीके से कैसे आ रहा है? टैंकर्स के जरिए आ रहा है, जहाँ पर लोगों को महीने का थोड़ा सा पैसा देके उनको पानी मिलता है, आज उनको बहुत सारे पैसे खर्च करके पानी टैंकर के जरिए अपने घरों में मंगवाना पड़ रहा है। इवन कि गरीब लोग जो जिनकी सैलरी 4-5 हज़ार, 6 हज़ार है या 10 हज़ार है, उनको भी मजबूरी से कहीं से उधार लेके पानी अब टैंकर के जरिए मंगवाना पड़ रहा है। बहुत बहुत दुख होता है। आज आपने ऐसी सिचुएशन हमारे जम्मू में लाके खड़ी कर दी है। मैं आपके जरिए कहना चाहूंगा कि यहां पर बेवकूफी क्या, जम्मू में जितने भी ट्यूबवेल्स हैं, पिछले 5-6 महीने या 7-8 महीने पहले ही कई उनके ट्यूबवेल खराब हो चुके थे। एडमिनिस्ट्रेशन ने, पीएचई ने उनको रिपेयर नहीं करवाया। रिपेयर छोड़ो, इवन की नए भी नए लगाए उनकी जगह। और आज हालत ऐसी है, वो जो ट्यूबवेल बाकी जो चल रहे हैं उन पे काफी प्रेशर है और वो उनकी मोटर कभी खराब होती है, फिर उनको ठीक करवाते हैं, खराब होती है, ये सिस्टम चला रहता है, जिसके कारण वो ज्यादा दिक्कत हो रही है और यहां पर त्राही त्राही मची हुई है। इवन कि मैं, मुझे बताते हो बहुत दुख होता है, पहले कुछ एरियाज में प्रॉब्लम थी जैसे बाहू फोर्ड या सुजमा बठिंडी, आज ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जम्मू में हर जगह है। लोग कहीं पर, बेचारे लोग बकेट से लेके कहीं दूर दूर जा रहे हैं, वहां से पानी लेके आ रहे हैं, जैसे गांव में होता है। आज आपने यहां पर गांव की सिचुएशन खड़ी कर दी है। इवन कि जिस एरिया में मैं रहता हूं, आई बिलोंग टू त्रिकुटा नगर, यहां पर हमारे एरिया में 2 ट्यूबवेल कैटर करते थे, पानी देते थे। पहले ही एक ट्यूबवेल खराब हो चुका था और हमारे लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई, क्योंकि ये ट्यूबवेल नहीं चलने वाला, आप इसी जगह दूसरा ट्यूबवेल लाके लगाइए। चीफ इंजीनियर के पास गए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, लेकिन किसी ने बिल्कुल नहीं सुनी। आज वो एक ट्यूबवेल यहां पर चल रहा है और हर तीसरे चौथे दिन उसकी मोटर खराब होती है, फिर अगेन उसको मोटर लगाने में 1-2 दिन, बस ऐसे ही खराब कभी ठीक। और जिसके कारण क्या हो रहा है कि पानी की त्राही त्राही और वाटर टैंक लगे पड़े हैं। वाटर माफिया एक्टिव हो गया है, वहां वो कमाई कर रहा है और यहां से कमीशन यहां आगे पीछे जा रही है। क्या कर दिया आपने हमारे जम्मू को? और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि दूसरा इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, मैं पूछना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से। बड़े बड़े दावे किए गए थे, स्मार्ट मीटर जब लग जाएंगे तो आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमें स्मार्ट मीटर्स ये आपके नहीं लगाने हैं। लोगों ने सड़कों पे धरने दिए, लोग रोए, गिड़गिड़ाए, किसी की बात नहीं सुनी गई। उनको बोला गया, उनको चुप कराया गया जबरदस्ती कि आपको स्मार्ट मीटर लगी है तो थानू उन्हें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देनी है, तो खुश हो जाओ। और केड़ा खुश, केड़ा खुश किया तो है, लोके दुखी कर उड़िया। आज यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के कितने कट लगते हैं? 2, काफी जगह 90% स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं, लेकिन कट्स दबा दब लग रहे हैं। बहुत बहुत दुख होता है। इसका कारण मैं ये भी मानता हूं कि ये जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनके ऊपर डंडा नहीं है। यहां पर हमारे नुमाइंदे नहीं है, इलेक्शंस कितने सालों से यहां नहीं हुए हैं, कोई पूछने मांगने वाला नहीं है। अगर नहीं है तो ये फर्ज बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज बनता है, इन पे नजर रखे। आपके जरिए ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे यहां पर सिचुएशंस खड़ी हो चुकी है, जल्दी से जल्दी यहां पर असेंबली इलेक्शंस करवाए जाए ताकि लोगों की बातें सुनी जाए, ये जो दिक्कतें आ रही हैं ना हो। लास्ट में यही कहूंगा कि हमारे जम्मू की जनता को परेशान तंग मत करो, ये बेसिक चीजें हैं।
ये जल्दी से जल्दी ठीक करो। और लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगा, आपने बाहर से तो सिटी थोड़ी चमका रहे हो, रोड साफ सुथरी कर रहे हो, पेंटिंग पुंटिंग कर रहे हो, आप चेहरा तो उसका अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन व्हाट अबाउट द इंटरनल सिस्टम, अंदर सिस्टम क्या है? अंदर सिस्टम खोखला है। और जबकि होना यह चाहिए कि इंटरनल सिस्टम, अंदर का सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, फेस को ऐसे आप उसको पाउडर वगैरह लगा रहे हो, लेकिन अंदर से आप खाली कर रहे हो। तो मेरी लास्ट बस यही कहूंगा, एसडी साहब हाथ जोड़ के विनती है, हमारी जनता पे कृपा करो।